हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्टेज 2 फुल रिव्यू। मतलब कि फुल रिव्यू मिलने वाला है और रनिंग का वीडियो भी आपको मिलने वाला है यहाँ से। उसके बाद बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना डिटेल्स में यहाँ पे आपको फोटो मिल रहा है देखने को। ऐसे कई सारे फोटो वहाँ से क्लिक किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा ही, देख रहे हैं ये सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं रनिंग के लिए। और भी बहुत सारे फोटो वगैरह दिखाने वाला हूँ वहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये कोस्ट गार्ड का पीछे बस खड़ा है और इसके बाद यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा, पीछे पीछे बस और एम्बुलेंस साथ साथ चलती है। तो कहानी स्टेज 2 की फुल मिलने वाली है यहाँ पे। और भाई का हो गया है और ये बिहार से ही है, सोनपुर से सेलेक्टेड हो चुके हैं फाइनली। तो सबसे पहले कांग्रेस इनको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया, क्योंकि बहुत से बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा वीडियो को मतलब कि आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे बिल्कुल भी ऐड होना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगी सबसे पहले वहीं पर मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी मतलब कि डिफेंस के रिगार्डिंग या स्पेशली कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग बात कर ले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपसे कॉल पे भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसमें बता दें, ये 23 नंबर जो चेस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये वही है, ये भाई साहब है और इनका हो चुका है फाइनल। तो चलिए फिर से एक बार कांग्रेस और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे आ चुका है, इनका रोमन के लिखा गया है और ये रोमन इसलिए लिखा है, इनका निक नेम है रोमन, बट इनका ओरिजिनल नाम जो मैंने इनसे पूछा राजन नाम है इन्होंने बताया, आई थिंक हाँ राजन नाम है और सोनपुर बिहार से हैं। और बाकी का ये फ़ोटो वगैरह आपको मैं दिखाने वाला भी हूँ और इसमें एक वीडियो भी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इतना डिटेल में आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए, बड़े से बड़े यूट्यूबर के पास आपको इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है। बस आपका प्यार है, सपोर्ट है। और बाकी का अगर स्पेशली आप कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो ये चैनल ही आपके लिए समझिए डेडिकेटेड है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। मतलब कोस्ट गार्ड मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए परमजीत क्लासेस। ओके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इनका जो सेंटर था कोलकाता सेंटर था ये देख लीजिएगा, ओके कोलकाता सेंटर था ये आप देख लीजिए। और थैंक्स सर इन्होंने बताया कांग्रेस भाई बोलने पर। और डॉक्यूमेंट के बारे में इनसे पूछा मैंने, डॉक्यूमेंट में पास है या फिर एक रनिंग आउट, यहाँ पर देख सकते हैं एक रनिंग आउट, एक बायोमेट्रिक में आउट, एक बच्चा रनिंग में आउट हुआ। और मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रनिंग आउट और एक बायोमेट्रिक में आउट हुआ और 12 के आसपास ओबीसी में आउट हुए, मतलब 12 स्टूडेंट ओबीसी में, मतलब ये मायने रखता है भाई साहब 12 स्टूडेंट, इतना तो समझ लीजिए 32 का रिपोर्टिंग इन्होंने बताया है, 32 का रिपोर्टिंग था, एक रनिंग में आउट हो गया, एक बायोमेट्रिक में, बच्चे 30 में से 12 गायब हो गए तो किचन में बच गए, या आप समझ लीजिए 30 में से 10 गए 20, मतलब कि 18 के आसपास यहाँ पर हो गए। ओके और 6 एब्सेंट थे तो ये भी देख लीजिए, सीधे कम ही हो गए लगता है, तो इसका मतलब 40 का मेरे ख्याल से, अच्छा 38 का रिपोर्टिंग था वो सीधा सीधा समझिए, वो 40 बच्चों को बुलाया गया था, आए कम थे और 32 आए थे उसमें से 32 लेकिन आया था, इन्होंने साफ साफ कह ही भी दिया 6 नहीं आए थे इन्होंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फोटो वगैरह पुशअप्स वगैरह स्क्वाड्स का वीडियो वगैरह मैंने पूछा तो ये वीडियो तो इनको नहीं मिला है, बट यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं सॉरी वीडियो मिला है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जस्ट वेट यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ ये आप फोटो देखिए, हाँ ये फोटो आप देखिए कहाँ से लिया गया है, ये आप रनिंग ट्रैक जो है ना कोस्ट गार्ड का कोलकाता सेंटर का, ये क्योंकि रोड पे ही रनिंग कराता है 7 मिनट आपको, और ये यहाँ पे जो रनिंग होता है वो डायरेक्ट आपको 1600 मीटर भागना पड़ता है, 1600 मीटर डायरेक्ट आपको जाना है, मतलब कि कई सेंटर पे 80 मीटर का था, कई सीजन में 200 मीटर का था, कई सेंटर पे आपको मिला 400 मीटर का था ग्राउंड, तो ऐसा करके कुछ मिला है। बट यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये 23 नंबर जो है इन्हीं का है, मतलब कि भाई का है ये, और बाकी ये सारे बच्चे यहाँ पे लगे हैं लाइन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो इसमें से कोई अगर वीडियो देखेगा तो ज़रूर बताइएगा कि मेरा चेस्ट नंबर ये था। ओके तो चलिए और भी फोटो देख सकते हैं, ये रनिंग स्टार्ट करने के समय पीछे बस खड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और टोटल बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, वो चेस्ट नंबर यहाँ पे आपको 35, 5, 22, 14, 23 यही है और 26 है 3 है शायद, आई थिंक हाँ ये 18 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इतना डिटेल में आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला है कहीं से भी। और भी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रनिंग अभी स्टार्ट होने वाला है तब का फोटो है, उसके बाद बात कर लेते हैं और भी फोटो। ये देखिए ये फिजिकल वगैरह हो गया है तो सारे बच्चे ग्रुप में खड़े थे, देखिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप अगर एक साथ खड़े होकर कहीं भी यूनिटी में रहिए कोई भी हटाने वाला नहीं। और ये देखिए इनको मैंने पहचान लिया, यही है और ओके। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं पूरे बच्चे आप काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे
कोलकाता सेंटर पे, और क्योंकि सभी एक साथ खड़े हैं और गजब, मतलब कि मानना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और ये भी आप फोटो वगैरह देख सकते हैं, वहीं का है, आप देख सकते हैं सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं किस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा देख के। और ये भी देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह वहीं का है, कोलकाता के पास का ही है। ये भी देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह सारे यहाँ पे खड़े, और ये भाई यहाँ पे हैं जिन्होंने रिव्यू शेयर किया, तो इनको फिर से थैंक्स। और भी मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा आपके लिए, यहाँ पे अभी वीडियो भी देखना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। यहाँ से ये फ़ोटो वगैरह लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फ़ोटो है, कुछ चेंजमेंट वगैरह कर गया है इसमें। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ रनिंग का, ओके? तो वीडियो आपको पूरा देख लेना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ओके? तो दोस्तों वीडियो अपने रनिंग का देख लिया, और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। H2H2 के बारे में इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता है, यूट्यूब पे आप जाके पूरा सर्च कर लीजिएगा। और चाहे आप कोस्ट गार्ड की डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले, मेडिकल की बात कर ले, मेरिट लिस्ट की बात कर ले, या फिर आपकी फॉर्म भरने का बात कर ले, तो जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके Stage 3 में, Stage 2 में, Stage 1 में, इतना डिटेल में कोई बताता ही नहीं है, यहाँ पर प्रूफ के साथ सब कुछ आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ओके? और बाकी का वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ताकि औरों को भी हेल्प मिले, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि कोस्ट गार्ड के बारे में भी कोई इतना डिटेल में बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।